हे गाइस, वेलकम बैक ऑन द लेक्चर सीरीज ऑफ 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम यूनिट 2 कवर कर रहे थे जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड के ऊपर था, और हम इसमें हम पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। ओके, सो दीज थ्री टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल्ड मैनर। ओके, और ये तीन टॉपिक क्या हैं? ये पहला टॉपिक है, इसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दूसरा है वन गुड और टू गुड के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और थर्ड है हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, पार्ट वन में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट यूटिलिटी का। ठीक है, जिसमें हमने दो अप्रोचेस देखी कि यूटिलिटी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है उसमें दो अप्रोचेस होती हैं, एक कार्डिनल अप्रोच होती है और एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। ओके, और फिर हमने डिस्कस किया था कार्डिनल अप्रोच को। ओके, तो हम कार्डिनल अप्रोच को ही आगे डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। ठीक है, अब कार्डिनल अप्रोच में हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसे भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। हमने TU और MU के बारे में डिस्कस किया था, और इनके बीच में कैसा रिलेशन है हमने टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था। ओके, सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे, आगे उससे बढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है हमारा इस स्लाइड का पार्ट टू का, वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, सो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हमें पता है कि हम कंज्यूमर थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जो है उसका क्या, एक कौन सी एक्टिविटीज करता है कंज्यूमर जो है, वो कंजम्पशन की एक्टिविटीज करता है, और कंजम्पशन से क्या मिलता है हमें, सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, यूटिलिटी मिलती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर मूव नहीं करना चाहता है, स्टिक रहता है, वो उसी पॉइंट पर रहना चाहता है। ठीक है, लेट सपोज करते हैं ये पॉइंट ये है, तो कंज्यूमर जो है वो इसी पॉइंट पर रहना चाहेगा, ना तो ये उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ना तो इसके नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ये इस पॉइंट से डेविएट होने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, यानी कि जहां पर कंज्यूमर, अब ऐसा कौन सा पॉइंट होगा या इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो कंज्यूमर का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है इस पॉइंट पर, है ना? क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे, इस पॉइंट पर आएंगे, तो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी फुलफिल नहीं हो रहा है, कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव इस पॉइंट पर फुलफिल हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, या फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर जो कंज्यूमर का ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है, सेटिस्फेक्शन गेट करना है, सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन करना कंजम्पशन पर्पस के प्रोसेस में। ओके, सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन वेयर कंज्यूमर गेट्स हायर सेटिस्फेक्शन विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो ऐसा कोई भी पॉइंट, यानी कि ऐसी कोई भी सिचुएशंस जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट जो होता है वो एक ही पॉइंट होता है। ओके, यानी कि एक ही सिचुएशन होती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि कंज्यूमर का एक ऐसा बिहेवियर जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स हायर सेटिस्फेक्शन विद द गिवन लेवल ऑफ इनकम। यानी कि जो भी रिसोर्सेज है उनके पास, उनका इस्तेमाल करके कंज्यूमर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा है, और फिर कंज्यूम कर रहा है, और कंज्यूमशन से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो अगर वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उन कॉम्बिनेशन से, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, सो कुछ अजम्पशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने में, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो हम स्टडी करते हैं, तो कुछ अजम्पशंस मान के चलते हैं। पहला अजम्पशन जो है, जो इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर इज रेशनल। अब कंज्यूमर रेशनल है, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। ओके, यानी कि वो अपने हित के लिए सोचेगा, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। अब सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो एक रेशनल कंज्यूमर क्या करेगा, अपने पैसे को उस गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च करेगा, उसे खरीदेगा जिससे उसे सेटिस्फेक्शन जो है ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो अगर ऐसा बिहेवियर है तो हम बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो एक रेशनल है। ठीक है, द कंज्यूमर्स इनकम लेवल इज फिक्स्ड, देयर इज अ बजट कॉन्स्टेंट। ओके, यानी कि कंज्यूमर का जो रिसोर्स है वो क्या है, फिक्स्ड है। कंज्यूमर की जो इनकम है उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ओके, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डज नॉट चेंज, और प्राइस भी चेंज नहीं होगी। तो पहला हमने देखा कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, कंज्यूमर अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करने में लगा रहेगा, उसका बिहेवियर जो होगा वो ओरिएंटेड होगा सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने में, तो हम उसे बोलते हैं कि कंज्यूमर जो है रेशनल है। ओके, कंज्यूमर की जो इनकम है वो फिक्स्ड होगी, यानी कि कॉन्स्टेंट होगी। अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में ही वो
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे गेट करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके? यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो चेंज नहीं होगी, एंड द प्राइस जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे उस सिचुएशन में वो भी क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट रहेंगे, है ना। इनमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो अब देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तीन सिचुएशंस होती हैं, यानी कि कंज्यूमर कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को मैक्सिमाइज करे ताकि, यानी कि कैसे गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करे अपनी इनकम ताकि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल हायर हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो वो तभी अटेन करेगा उस सिचुएशन को, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट को तभी अटेन करेगा जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। और ये तीन कंडीशन क्या है, पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी, हमने पढ़ रखा है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, अपॉन में पीएक्स, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में पीएक्स, यानी कि जो गुड्स का प्राइस है वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। अब मार्जिनल यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं कि एक एडिशनल गुड्स को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी में चेंजेस आते हैं उसे मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और पीएक्स क्या है, पीएक्स क्या है, प्राइस है गुड एक्स का, ओके। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो एक रुपए के बराबर आपको कितने यूटिल्स मिल रही है वो उसको बताता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक रुपए खर्च कर रहे हो, $1 खर्च कर रहे हो, तो आपको कितनी यूटिल्स मिल रही है, ठीक है। तो इसमें माना जाता है कि $1 बराबर जो है वो एक यूटिल्स आपको मिल रही है, ओके। जरूरी नहीं है पर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एक मापदंड होता है, एक पैमाना होता है, एक मेजरमेंट होता है, ठीक है, एक बेंचमार्क होता है कि हम देखो, हमने पहले डिसाइड कर लिया कि अगर मैं एक रुपये खर्च करूंगा तो मुझे एक यूटिल्स मिलनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मैंने एक रुपये जब खर्च किया तो क्या मुझे उतना यूटिल मिला जितना मैं सोच के गया था, यानी कि जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी क्या उसके बराबर रुपया मिला। अगर उसके बराबर मिल रहा है तो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्योंकि जितना मैं सोच के गया था उतना मुझे मिल रहा है, ओके। पर अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा, और ज्यादा कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो तब तक कंजम्पशन नहीं रोकेगा जब तक वो जितना सोच के गया है, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो एक पैमाना है, जब तक इस पॉइंट पर नहीं अटेन कर लेता है तब तक वो कंज्यूम करता रहेगा, ओके। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है क्या है, एक मेजरमेंट है, एक बेंचमार्क है, जो ये बताता है कि एक रुपये, यानी कि एक एक यूनिट मनी के बदले कितनी यूटिल्स मिल रही हैं हमें। और ये MUM जो है क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है ना, क्योंकि हम कंज्यूम कर रहे हैं अगर तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। अगर मैं सोच के गया हूँ तो एक, अगर मैं कुछ चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो मैंने सोच लिया कि $1 बराबर एक यूटिल मुझे मिलनी चाहिए, मैंने $5 खर्च किए, तो ऐसा नहीं है कि एक जब पहला डॉलर खर्च किया मैंने तो मेरी MUM एक यूटिल्स थी, और जब दूसरा खर्च किया मैंने तो मैंने चेंज कर दिया, तब तो ऐसे में तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी ही नहीं, है ना, क्योंकि सिचुएशन चेंज कर रहे हो आप। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी होगा जब क्या होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में पीएक्स MUM के बराबर होती है, ओके। दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। और थर्ड जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुड वर्क, यानी कि ये जो लॉ है जो हमने पढ़ा लास्ट स्लाइड में, उसमें ये इसमें है कि जो लॉ है वो कांस्टेंट होना चाहिए उसमें, यानी कि वो वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं है, जैसे हमने कई एक्सेप्शंस भी पढ़े जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी का जो लो है वो काम नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर कभी भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन को अटेंड नहीं करता है। तो कब करेगा, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो वर्क करेगा, ऑपरेट करेगा, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये वन गुड के केस में तो हमें पता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तीन सिचुएशंस होती हैं। पहली जो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पीएक्स इक्वल में MUM होता है, ओके। दूसरी यूटिलिटी होती है कि MUM जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और तीसरी जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ओके। जब तीनों ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तभी हम बोल सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर रहा है, ओके। सो एक गुड के केस में देखते हैं कि कंज्यूमर कैसे अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमाइज करता है, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन गुड के केस में, ओके। तो इसमें हमने माना है कि प्राइस जो है, लेट सपोज करते हैं गुड एक्स है, उसका प्राइस जो है $5 है, ओके। और MUM जो है वो वन यूटिल्स है, इसका मतलब अगर $1 वो खर्च करता है तो उसे एक यूटिल्स तो मिलनी चाहिए, ओके। ये उसका मेजरमेंट है, मापदंड है, ओके, पैमाना है। तो लेट सपोज करते हैं ये क्वांटिटी एक्स है, ये पी एक्स है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और ये MUX अपॉन में MUM है, ओके। अब देखो इसको, अब हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है अपॉन में पी एक्स इक्वल में MUM है, ये हमने देखा कि ये कंडीशंस होती हैं, ठीक है।
तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन, मैं इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा पी एक्स। तो यही लिख रखा है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम यू एम जो है ये फाइंड कर रहे हैं हम, ठीक है। तो या तो ऐसे हो सकता है कि एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स एम यू एम के बराबर हो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, या फिर एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम जो है वो प्राइस के बराबर हो तब वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, क्योंकि ये मनी की टर्म्स में है ना, क्योंकि एम यू एम को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, ओके। सो आइए देखते हैं, तो कंज्यूमर ये क्वांटिटी है और देखो यहाँ पर, सो इरेज करते हैं हम यहाँ पर कुछ, सो कंज्यूमर की क्वांटिटी वन है, तो जब कंज्यूमर वन क्वांटिटी खरीदता है उसका प्राइस जो है पांच है, जो कि चेंज नहीं होगा। हमने पहले ही अजम्पशंस में देखा था कि प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो कांस्टेंट होते हैं, इनकम भी कांस्टेंट होती है, ओके। सो गुड्स का प्राइस जो है पांच रुपए है, और क्वांटिटी अगर पहली खरीदता है और पांच रुपए उस वो पे करता है तो उसके उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 रुपीज है, यानी कि 10 यूटिल्स है, सॉरी 10 यूटिल्स है, ओके। दूसरा करता है तो पांच रुपए फिर भी है तो 8 यूटिल्स मिलते हैं, तीसरा करता है तो 5 यूटिल्स मिलते हैं, चौथा 2 यूटिल्स, पांचवा 0, उसके बाद छठे में -1। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब देखो एम यू एम जो है हमने 1 यूटिल्स मान रखी है, ये क्या है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा हर एक यूनिट पर, तो इसका मतलब एम यू एम भी कॉन्स्टेंट है। अब ये पहले देखते हैं कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स है या फिर एम यू एम है, आप इससे कंपेयर कर लो, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, पी एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे आता है, एम यू एम इसके नीचे आता है, एम यू एक्स अपॉन में एम, है ना। तो ये जो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये इसकी बात कर रहा है, ओके, इसकी बात कर रहा है। तो हमने निकाला ये 10 है, इसको हमने 1 से डिवाइड किया है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी इसको 1 से डिवाइड किया है तो 10 आ गया, 8 से डिवाइड किया है तो 8 आ गया, 5 1 से डिवाइड किया है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू सेम आ जाएगी। अब देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी है क्या वो प्राइस के बराबर कब हो रहा है। तो देखो पहली तीन सिचुएशन में हमारा प्राइस क्या है, पाँच रुपये है, $5 है, ठीक है। पर जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी है वो 10 है, तो इसका मतलब एम यू एक्स अपॉन में एम यू एम जो है वो ग्रेटर देन है पी एक्स से, ठीक है। इसका मतलब कंज्यूमर यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं है, ठीक है। नीचे देखते हैं, यहाँ देखो यहाँ ये 2 है, 0 है, -2 है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो लेस देन है पी एक्स के, तो यहाँ पर भी इक्वल नहीं है। इक्वल कब है, तीसरी यूनिट देखो जब वो कंज्यूम कर रहा है, तो देखो प्राइस भी 5 है और जब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी हमने निकाला तो वो भी 5 है, तो इसका मतलब देखो ये तीसरी कंडीशंस भी इस पॉइंट पर आकर सेटिस्फाइड हो जाती है जहां मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो किसके बराबर है, इन टर्म्स ऑफ मनी प्राइस के बराबर है। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ अटेन हो रहा है, जब वो 3 गुड्स कंज्यूम करता है क्वांटिटी एक्स के, है ना, एक्स का जब वो 3 यूनिट कंज्यूम करता है तब कंज्यूमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है। अगर वो चौथी यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, पांचवी यूनिट करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाएगा, दूसरा यूनिट कर रहा है अगर तो उसका सेटिस्फेक्शन तभी भी मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है। तो जब तीसरी यूनिट कंज्यूम करेगा तभी कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल अटेन करेगा, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अटेन करेगा, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ओके। सो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया कि एक गुड के केस में जब कंज्यूमर 1 गुड कंज्यूम करता है तो इक्विलिब्रियम कहाँ से अटेन होगा, जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो एम यू एम के बराबर होगा प्राइस के, ओके, प्राइस के। और इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ डॉलर या मनी आप जो है प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये वाला कंसिडर किया है, ठीक है। जो ग्राफ हमने टेबुलर फॉर्म भी देखी उसमें हमने इसको ऐसे करके निकाला था, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा वो कंज्यूमर वहाँ इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, मेनली ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रही थी, है ना, ये वाली। अब देखते हैं कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ना हो तो तब क्या करना चाहिए उसे, है ना, वहाँ कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो क्योंकि उसका अल्टीमेट जो गोल है, जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है,
जो एम है उसका अल्टीमेट एम है वो क्या है कि सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो जब तक वो कंज्यूम करता रहेगा उसका बिहेवियर तब तक रुकेगा नहीं, यानी कि वो एक्टिविटीज़ कंजम्पशन एक्टिविटीज़ तब तक करता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम सिचुएशन यानी कि इक्विलिब्रियम की अटेन ना कर ले। ओके सो देखो ये पिछले वाले लास्ट ग्राफ में हमने देखा था कि थर्ड यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो है वो बराबर थी प्राइस ऑफ एक्स के, है ना, पाँच पाँच बराबर थे आपस में, तो वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा था। पर जो पहली और दूसरी यूनिट थी वहां पर हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो ग्रेटर देन है पी एक्स के, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, तो देखो जो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो ग्रेटर देन है, यानी कि ये वाली सिचुएशन है, पहला केस है, तो ऐसे केस में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। अब देखो ऐसे केस में कंज्यूमर को गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, यानी कि गुड एक्स कंजम्पशन शुड इंक्रीज। ओके अब क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी जो है वो तो हमें पता है कि ये ग्रेटर देन है पी एक्स के, तो हमें पता है प्राइस तो चेंज नहीं होने वाला है, तो अगर इसे बराबर करना है तो इसे ही चेंज होना पड़ेगा, है ना, इस टर्म्स को ही चेंज होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड जो प्राइस है वो तो कॉन्स्टेंट है, हमने अज्यूम किया था। ठीक है अब हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है इन टर्म्स ऑफ मनी कैसे निकलता है, ध्यान देना, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इन टर्म्स ऑफ मनी है यानी कि ये वाली टर्म है वो कैसे फाइंड आउट हुई, मार्जिनल ये वाली जो टर्म है वो कैसे फाइंड आउट हुई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इंटू में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम इज ग्रेटर देन पी एक्स, ऐसे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर पी एक्स जो है एंड एम यू एम मार्जिनल, ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में ही कि प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये कंडीशन है हमारी। ठीक है तो अब अगर ये चेंज नहीं होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ही चेंज होगा, यानी कि सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को हम चेंज कर सकते हैं, उसे बढ़ा सकते हैं उसे घटा सकते हैं। ओके अब देखो अगर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, देखो अगर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, देखो अगर हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमें पता है जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाता है। क्यों कम होता चला जाता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण, है ना। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी देखो इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो बड़ा है प्राइस से, तो इसका मतलब अगर बराबर करना है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए क्या करना चाहिए, कम करने के लिए उसे एक्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा एक्स गुड्स का तो उससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो तब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक ये आपस में बराबर ना हो जाए। ठीक है लेट सपोज करते हैं पहली यूनिट में हम थे, तो जब पहली यूनिट में हम थे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ जो मनी था वो ग्रेटर देन द पी एक्स के, तो और जब दूसरा हमने कंज्यूम किया यहाँ 10 था, ठीक है, और जो दूसरा हमने कंज्यूम किया दूसरी यूनिट तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अभी भी ग्रेटर देन था, पर ये अब कितना यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर 8 आ गया था, ठीक है, या जो भी अमाउंट था 10 से कम था, ओके 8 था आई थिंक। तो देखो हमने कंज्यूम किया एक से जब दो पे गए कंजम्पशन हमने बढ़ाया तो ये 10 से 8 हो गया, कम हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है तो मार्जिन और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, जब हमने तीसरी यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी 8 से कम होकर कितना आ गया, 5 आ गया, और जब 5 आएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अटेन हो जाती है। ओके सो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रेटर देन हो प्राइस के तो कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए कंज्यूमर को गुड एक्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना चाहिए। ठीक है क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने स्टार्ट हो जाएगी, और जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होने स्टार्ट हो जाएगी तो वो इसके आपस में बराबर हो जाएगी, और जब बराबर हो जाएगी तो यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, यही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंज्यूमर जो है वो इसी पॉइंट पर आके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसे सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा है। दूसरा केस देखते हैं, तो इस वाले केस में क्या करना चाहिए, इस वाले केस में कंज्यूमर कंज्यूमर शुड
इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, ठीक है, टिल तब तक उसे कंजम्पशन अपना एक्स का बढ़ाना चाहिए टिल द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब तक वो इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले तब तक उसे कंजम्पशन जो है वो क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। अब दूसरे केस में हमने जब तीसरी यूनिट चौथी और पांचवी यूनिट देखी थी तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटी जो था वो लेस देन था प्राइस प्राइस के, ठीक है, क्योंकि प्राइस क्या थी हमारी 5 थी पर ये 3 था, 2 था, फिर 1 हमने देखा था माइनस, फिर 0, ठीक है, ये सिचुएशन थी। तो ऐसे में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, तो देखो इक्विलिब्रियम पे अगर आना है तो प्राइस तो कॉन्स्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी को कम किया जा सकता है, ज्यादा कंजम्पशन करके कम किया जा सकता है पर इसे बढ़ाया नहीं जा सकता, है ना। तो अगर देखो तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो अगर हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो ये तो और कम होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी और लेस देन हो जाएगी पीएक्स के। जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ऐसे केस में कंजम्पशन को नहीं बढ़ाना चाहिए, तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर लेस देन है प्राइस के तो कंज्यूमर को कंजम्पशन नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसे में कंज्यूमर शुड स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, स्टॉप द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स या फिर कंजम्पशन कम करना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस वाले केस में वो पहुंच चुका है तो उस, अब देखो अगर वो चौथी यूनिट कंज्यूम कर चुका है, पहली यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी ग्रेटर देन था, ये वाली सिचुएशन, दूसरी यूनिट जब कंज्यूम की तभी भी यही था, तीसरी यूनिट की तो इक्विलिब्रियम पे आ गया पर उससे मान लेते हैं नहीं पता चला कि वो इक्विलिब्रियम पे आ गया और उसने चौथी यूनिट भी कंज्यूम कर ली, और जब तो चौथी यूनिट कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन हो गया इससे, ठीक है, तो ये अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं रहा। तो अब अगर वो और ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और ज्यादा गिरता चला जाएगा, ठीक है, तो वो मैक्सिम, तो एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो यही चाहेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। तो ऐसे केस में अगर उसे रियलाइज होगा कि वो चौथी यूनिट कंज्यूम कर लिया है तो उसे वहीं पर रुक जाना चाहिए, उसे पांचवी यूनिट कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, कंज्यूमर शुड स्टॉप द कंजम्पशन, या तो रोक देना चाहिए कंजम्पशन या फिर उस कंजम्पशन को कम कर देना चाहिए, यानी कि दोनों बात एक ही है ना, उसे कंजम्पशन जो है अपना रोक देना चाहिए। अब हम टू गुड के केस में पढ़ते हैं कि अगर कंज्यूमर, हमने देखा कि एक गुड के अगर केस में पढ़ रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इंटू में एम यू एम, ठीक है, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में एम यू एम इक्वल में पी एक्स है, ठीक है, आप कोई भी टर्म्स यूज कर सकते हो, ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। तो ये तो एक गुड के केस में था, दो गुड के केस में क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो एक्स है अपॉन में पी एक्स है, लेट सपोज करते हैं दूसरा गुड जो है वो वाई है, तो दो गुड्स हैं, एक गुड एक्स है, तो एक गुड जो है वो एक्स है और दूसरा जो गुड है वो क्या है, वाई है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि गुड एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में प्राइस जो है वो बराबर होना चाहिए दूसरे गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के, ठीक है। अगर हम तीन गुड की बात करेंगे तो तीन गुड में क्या होगा, लेट सपोज करते हैं जेड वो गुड से तीसरा, तो क्या होना चाहिए, पी जेड होगा। लेट सपोज करते हैं चार अगर यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ए है कोई गुड, तो क्या होना चाहिए, ए है, ठीक है, तो ये होना चाहिए ऐसे। तो हमने भी देखा कि दो गुड के केस में अगर कंज्यूमर एक गुड की बजाय दो गुड कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स और गुड वाई, तब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ अटेन करेगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन सेम रहेगी जो हमने पहले गुड के केस में पढ़ा था, कंडीशंस क्या थी, पहला मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में पी एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। दूसरा है एम यू एम जो है वो, देखो ये एम यू एम होता है, मान ले बहुत सारे गुड्स हैं तो ये क्या होगा, ये एम यू एम के बराबर ही होता है, पर अब यहाँ एम यू एम हर जगह कॉन्स्टेंट ही रहेगा तो इसलिए हम एम यू एम को नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये एक ही बात है। दो गुड के केस में बात कर रहे हैं तो हम इसको इक्वल करते हैं।
तो मार्जिनलिटी हम कांस्टेंट रहेगा, थर्ड है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी वर्क करेगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। बस ये पहला चेंज हुआ, एक गुट के केस में हम नहीं पढ़ रहे हैं, दो गुट के केस में पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है ठीक है, ये वाली जो क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है कि वो गुड और गुड एक्स और गुड वाई का जब मिलकर कंजम्पशन करता है तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दोनों गुड्स से इस पॉइंट पर आके मिलेगा। और ये पॉइंट क्या है, ये कंज्यूमर का पॉइंट है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि दो गुड के केस में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। ओके, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि कंज्यूमर डेविएट नहीं करना चाहता, वो मूव नहीं करना चाहता उस पॉइंट से या उस सिचुएशन से, क्योंकि वो सिचुएशन जो है वो उसके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल कर रही है, जो कि है कंजम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज का ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ कुछ गिवन है, प्राइस गिवन है एक्स की और वाई की गिवन है, जो कि सेम गिवन है, $1 है ठीक है। तो $1 प्राइस गिवन है, प्राइस एक्स का और वाई का दोनों का सेम प्राइस है, और इनकम जो है कंज्यूमर की वो $5 है। और ये दो गुड्स गिवन है, दो गुड्स की क्वांटिटी गिवन है 1, 2, 3, 4, और ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स की है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई की है। ओके, सो इसमें हम देखते हैं कि कैसे अटैन होगा। तो देखो, अगर उसके पास $5 हैं और $1 हर एक गुड्स की कीमत है, तो अब बताओ अगर वो पहला गुड्स कंज्यूम करता है, अगर वो पहला गुड कंज्यूम करता है, अगर वो पहला गुड कंज्यूम करता है तो उसे एक्स अगर कंज्यूम करता है तो उसे 20 यूटिल्स मिलेंगी, और अगर वो वाई कंज्यूम करता है तो उसे 16 यूटिल्स मिलेंगी। तो आप ये बताओ, पहला रुपया, पहला जो डॉलर है उसका इनकम का, वो किस पे वो खर्च करना चाहेगा? एक रैशनल कंज्यूमर क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो अगर आपको एक्स गुड से 20 यूटिल्स मिल रही हैं और वाई गुड से 16 यूटिल्स मिल रही हैं, तो आप पहला डॉलर किस पे खर्च करोगे, वाई पे या एक्स पे? तो सिंपल सी बात है, आप पहला डॉलर जो है वो किस पे खर्च करोगे, एक्स गुड्स को कंज्यूम करोगे। ओके, तो जो गुड एक्स का जो है, देखो गुड एक्स जो है वो पहली यूनिट किस में कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स की ठीक है। अब जो दूसरा रुपया है, यानी कि दूसरा डॉलर जब वो खर्च करेगा तो वो किस पे कंज्यूम करेगा? देखो, पहली यूनिट एक्स की कंज्यूम कर ली और वाई की अभी एक भी नहीं की है। तो देखो, अगर दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है वो एक्स की, दूसरी यूनिट अगर कंज्यूम करता है एक्स की, तो 14 यूटिल्स मिलेंगे उसे, है ना? कम मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी देखो काम कर रही है, जो लो है यहाँ पर भी कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है। पहला डॉलर कम करता है, पहला डॉलर अगर वो खर्च करता है एक्स पे तो 20 यूटिल्स मिल रही हैं, वाई पे खर्च करेगा 16 यूटिल्स मिल रही हैं। तो एक रेशनल कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाले गुड्स को चूज करेगा, तो उसने चूज किया गुड एक्स को खरीदना। तो गुड एक्स का उसने एक यूनिट खरीदा, अब उसके पास $4 बचे हैं। ओके, दूसरा अगर वो एक्स का दूसरा यूनिट्स खरीदता है तो उसे 14 यूटिल्स मिलेंगे, पर अगर वो वाई का पहला यूनिट खरीदता है, क्योंकि अभी उसने एक भी चीज नहीं खरीदी है इसकी, तो उसे 16 यूटिल्स मिलेंगे। तब तो बताओ, उसे 14 यूटिल्स चाहिए या 16 यूटिल्स चाहिए? सिंपल सी बात है, जहां ज्यादा यूटिल्स मिलेंगी तो वो जो दूसरा गुड्स है वो किस पे खर्च करेगा, वो वाई पे खर्च करेगा। ओके, ना कि एक्स पे, क्योंकि एक्स का वो दूसरा यूनिट अगर खरीदेगा तो 14 मिलेगा और वाई का पहला अगर खरीदता है तो वो 16 मिलेगा। तो वो क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए उसे, तो वो क्या करेगा, वो गुड वाई को चूज करेगा। अब उसने $2 खर्च कर दिया, अब उसके पास बचे $3, है ना? इनकम कितनी बची उसकी, $3 बची। अब $3, यानी कि जब तीसरा डॉलर वो खर्च करेगा, कम करेगा, तो देखो वो अगर फिर से अगर वो सोचता है कि दूसरी यूनिट अगर एक्स से कंज्यूम करता है तो उसे 14 मिलेगा, और अगर वाई की भी दूसरी यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे 12 मिलेगा ठीक है। तो अब बताओ, 14 उसे चाहिए या 12 चाहिए, 12 चाहिए? तो सिंपल सी बात है, वो किसको चूज करेगा, एक्स गुड्स को चूज करेगा, क्योंकि वहां ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो उसने तीसरा डॉलर भी है जो किस पे खर्च किया, एक्स पे खर्च किया ठीक है। तो अब उसके पास कितने बचे, $2 बचे, क्योंकि $3 उसने खर्च कर दिए। दो गुड्स जो है वो एक्स से खरीदे और एक गुड्स जो है वो वाई, यानी कि एक यूनिट वाई का खरीदा, दो यूनिट एक्स का खरीदा, $3 उसने खर्च कर दिए। उसके पास जो इनकम बची है वो $2 बची है। अब देखते हैं वो $2 वो किस पे खर्च करता है। तो देखो, एक्स की दो यूनिट उसने कंज्यूम कर ली, तो जब वो तीसरी यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे 12 यूटिल्स मिलेंगी। तीसरी यूनिट जो है गुड एक्स की, वो उसे 12 यूटिल्स दे रही है, पर
उसने वाई का सिर्फ एक यूनिट ही कंज्यूम किया है, तो जब दूसरा यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसे भी वो 12 ही मिल रहा है, यानी कि जब वो चौथा डॉलर अपना यूज करेगा तो एक्स का खरीद रहा है या वाई का खरीद रहा है, दोनों में 12 12 ही मिलेगा, तो क्या करेगा वो दोनों ही खरीद लेगा, है ना, इनडिफरेंस है, या तो वो इसको भी खरीद सकता है या इसको भी खरीद सकता है। तो लेट सपोज करते हैं कि उसने चौथा डॉलर इस पे खर्च किया और पांचवा डॉलर जो है इस पे का खर्च कर दिया, अब उसके पास कुछ भी इनकम नहीं है, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर ने कैसे बिहेव किया, रेशनली बिहेव किया, क्योंकि वहां पर हर एक डॉलर उसने उन गुड्स को चूज किया खरीदने में जो उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे थे रिलेटिवली कंपैरिजन में, है ना। अगर एक्स ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो एक्स को कंज्यूम करेगा, वाई अगर ज्यादा दे रहा है एक्स कंपैरिजन में तो वाई को चूज कर रहा था, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हमने देखा कि उसने गुड एक्स का कितना कंज्यूम किया, गुड एक्स के 3 यूनिट्स उसने कंज्यूम किए, ठीक है, और गुड वाई का कितना कंज्यूम किया, गुड वाई का उसने 2 यूनिट्स कंज्यूम किए, ठीक है। तो जब गुड एक्स का उसने कंज्यूम किया तो उसे 20 मार्जिनल यूटिलिटी मिली, 14 मिली और 12 मिली। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी बनती है, तो अगर हम देखें तो कितना आ गया, ये 20 है, ये 32 हो जाएगा, 36 और ये 46, ओके। और 2 यूनिट वाई का करता है तो कितना हो जाएगा इसका, 16 और 12, यानी कि 1 2 और 28, ठीक है। तो इसका मतलब जो वो गुड एक्स और वाई को कंज्यूम करता है एक्स और वाई का, तो जो टोटल यूटिलिटी होगी उसकी वो कितनी हो जाएगी, 46 प्लस में 28, तो ये कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, ये 74। तो इसका मतलब 74 जो है मैक्सिमम यूटिल्स को शो कर रहा है जो कंज्यूमर ने अभी चूज किया, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है गुड एक्स और वाई का, गुड एक्स का और वाई का जो कॉम्बिनेशन है, जो बंडल है, गुड एक्स का 3 यूज किया और इसने इसका 2 यूज किया, तो यही एक ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन है गुड और एक्स और वाई का जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन होगा। आप इसके अलावा कोई भी अगर कॉम्बिनेशन लेते हो, लेट सपोज करते हैं वो इसका 4 कंज्यूम करता है और इसका 1 कंज्यूम करता है, इसका ये 2 कंज्यूम करता है, इसका 3 कंज्यूम करता है, इसका ये 1 करता है, इसका 4 करता है, ठीक है, या इसका ये ठीक है, या फिर इसका ये 5 कर लेता है, इसका 1 भी नहीं करता है, 0 कर लेता है। तो ऐसे केस में ये जो और कॉम्बिनेशन है ये इसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। यही एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 3 और 2 जो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यानी कि उसकी मार्जिनल जो मैक्सिमम जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, यूटिलिटी है, वो मैक्सिमम है इस बंडल पे। तो इसका मतलब कंज्यूमर अगर गुड एक्स के 3 खरीदता है और वाई के 2 खरीदता है, तो इसका मतलब कंज्यूमर कौन सी सिचुएशन पे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर है, ओके। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ से पता चला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जब वो कंज्यूमर गुड एक्स का 2 यूनिट 3 यूनिट कंज्यूम करेगा और वाई का 2 यूनिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। पर अभी हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अपॉन में पी एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन में पी वाई जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और हमें पता है कि मार्जिन यहाँ प्राइस क्या है, सेम है, तो यानी कि पी एक्स और पी वाई जो है क्या है, आपस में सेम है। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी को छोड़ भी दें, अगर हम सिर्फ प्राइस को ले पी वाई, तो ये भी एक डॉलर, ये भी एक डॉलर है, ठीक है, बराबर है। तो अगर इसके नीचे मैं 1 लिख दूं, तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के बराबर हो जाए, तो कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर लेगा। अब देखो यहाँ पर कंज्यूमर इसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है एक्स का वो वाई के मार्जिनल यूटिलिटी पर कहाँ बराबर है, तो देखो ये 12 है ना, 12 12 आपस में क्या है, बराबर है। तो 12 तीसरे यूनिट कंज्यूम करके आ रहा है और यहाँ 12 दूसरी यूनिट कंज्यूम करके आ रहा है, तो दोनों के मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर हो गए। और जब दोनों के मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होते हैं, तो हमने देखा कि कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी अटेन कर रहा है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इस पॉइंट को या इस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पर दोनों गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी जो बराबर होते हैं वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देते हैं, ठीक है। और कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इक्वली मार्जिनल यूटिलिटी में तब काम करेगा जब दोनों गुड्स के प्राइस क्या होंगे, सेम होंगे, ये हमेशा याद रखना। अगर यहाँ दोनों गुड्स के प्राइसेस सेम ना हुए
ये अगर मान लेते हैं पी एक्स का 1 है और पी वाई का 2 है, तब लॉ ऑफ इक्वली मार्जिनलिटी काम नहीं करता है। ओके, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स और ये निकालना पड़ेगा, और जब ये आपस में बराबर होंगे तब जाकर वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम पॉइंट अटेन होगी। ओके, सो मेनली आपको ये बताना था कि दो गुड्स के केस में अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखना है तो आपको कैसे देखना पड़ेगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स एक्स गुड्स का और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई वाई गुड का क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन अटेन करता है। ठीक है, ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब दो गुड्स के मार्जिनल यूटिलिटी आपस में बराबर होते हैं तो कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होता है ना, अगर प्राइसेस सेम हो तो। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इफ द कंज्यूमर इज नॉट इक्विलिब्रियम। तो अब दोबारा देखते हैं कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना हो तो तब क्या करेंगे हम। ठीक है, तो हमने देखा कि कंज्यूमर एक अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो ये सिचुएशन होनी चाहिए, अगर नहीं है तो दो सिचुएशन आती हैं, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। ओके, अब हमें पता है पी एक्स और पी वाई प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होते, तो इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम पे लाना है तो या तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को चेंज कर सकते हैं या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, देखो हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को बढ़ा नहीं सकते, हम या तो उसी पे रोक सकते हैं या फिर उसको कम कर सकते हैं। रोक कब सकते हैं, जब कंजम्पशन रुक जाएगा, और कम कब कर सकते हैं, जब हम कंज्यूम और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा और मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो यहाँ पर ये जो पहला केस है वो ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से। तो इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, क्यों नहीं छेड़ सकते इसको हम, मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि वाई गुड को हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका मार्जिनल यूटिलिटी पहले से ही कम है। तो अगर वाई गुड्स का कंजम्पशन रोकेंगे बढ़ा देंगे तो ये और ज्यादा कम हो जाएगा, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे आएगा ही नहीं। ठीक है, और इसको बढ़ा भी नहीं सकते हम, इसको वहीं पर रोक सकते हैं है ना, कंजम्पशन अगर रोक दें तो वाई का तो हम उतना ही कंज्यूम करेंगे, पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो हमें कम करना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तभी कम होगा जब हम एक्स गुड्स का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। ओके, जब हम ज्यादा एक्स गुड्स का कंजम्पशन करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, और तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक ये आपस में बराबर ना हो जाए। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, इस सिचुएशन में देखो इस सिचुएशन में हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही कम है। ठीक है, अगर और ज्यादा अगर एक्स को हम कंजम्पशन बढ़ाते हैं तब तो ये और कम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा क्योंकि जितना ज्यादा करते आएंगे और कम होता चला जाएगा। ठीक है, और हम इसे बढ़ा भी नहीं सकते है ना, क्योंकि हम कंजम्पशन रोक सकते हैं ठीक है, या फिर और ज्यादा कर सकते हैं है ना, जो कंज्यूम कर लिया उसको कैसे हम उसको अब कैसे बैक करें, वो तो पेट के अंदर चला गया ना, मतलब सर्विसेज ले ली ना हमने, तो उसको तो कम नहीं कर सकते ना उसका कंजम्पशन, हम रोक सकते हैं या फिर कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो अगर कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और रोक देंगे तो उतना ही रहेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है ज्यादा है, तो इसको हम कम कर सकते हैं। कम कब होगा, जब हम वाई गुड का कंजम्पशन जो है बढ़ाएंगे, तो जब ये सिचुएशन आती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स ग्रेटर देन है पहले केस में, तो हमें एक्स गुड्स का कंजम्पशन करना चाहिए। ओके, ये याद रखना, हमें एक्स गुड्स का कंजम्पशन जो है वो करना चाहिए, और जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई, तो हमें वाई गुड का कंजम्पशन जो है क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, हमने अजम्पशन में ये माना था कि देखो एक गुड के केस में, वन गुड के केस में और टू गुड के केस में, वन गुड के केस में हमने देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
यू सॉरी एक्स अपॉन में एम यू एम इक्वल में पी एक्स, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दो गुट के केस में हमने देखा कि मार्जिनल रूट ऑफ एक्स जो है और मार्जिनल रूट ऑफ वाई जो है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और फिर हमने देखा कि अगर प्राइसेस सेम है, इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स आर सेम, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है, अगर ये भी बराबर हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ओके, अब देखो इसको हम रीराइट कर सकते हैं। रीराइट का मतलब है कि हम इसको और भी, जैसे हमने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे हम दो गुड के केस में भी इसको हम थोड़ा स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम इसको इसको इंटरचेंज कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो ग्रेटर, ये एक्स इधर चला जाएगा तो पी अपॉन में वाई। तो अगर आप ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दो तभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही होगा। ओके, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, बस हमने इक्वेशन को थोड़ी चेंज की है। इक्वेशन की वैल्यू अभी भी उतनी ही है, सेम है, ठीक है, बस हमने चेंज कर दिया है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज करते हैं 5 kg यहाँ पर भी है और 5 kg यहाँ पर भी है, तो अगर मैं 1 kg 1 kg ऐड कर देता हूँ और ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी ये बराबर ही हैं। अगर मैं इसमें से -1 -1 कर देता हूँ तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी ये बराबर ही हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ और यहाँ से भी 2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या कुछ चेंज हुआ? नहीं हुआ, अभी भी ये बराबर ही रहेंगे। ओके, सो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो दोनों प्राइस रेशियो के अगर बराबर है तब भी दो गुट के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ओके, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर प्राइसेस क्या है, कॉन्स्टेंट है, प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब लेट सपोज करते हैं प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तब क्या होगा। अगर देखो प्राइसेस में अगर कोई चेंजेस आता है तब तो कंज्यूमर अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तब तो वो डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट पर हो जाएगा ना, क्योंकि अगर देखो एक गुड के केस में समझते हैं कि अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर एक्स का प्राइसेस जो है बढ़ जाता है, तो एक गुड के केस में क्या होता है, एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इक्वल में एम यू एम होता है। देखो अब ये दोनों कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है अगर ये बढ़ गया है तो ये वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो होल टर्म्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तब अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यानी कि डिनोमिनेटर, अगर सिंपल सी बात है, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, लेट सपोज करते हैं ये 1/1 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, पर अगर इसको मैं बढ़ा दूं डिनोमिनेटर को 1/2 कर दूं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.5। तो देखो इसको मैंने बढ़ाया तो देखो इसकी वैल्यू कम हो गई, पूरी वैल्यू, फ्रैक्शन की वैल्यू, है ना। तो सेम केस में जब प्राइसेस बढ़ेगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के जब प्राइसेस बढ़ेंगे। और ऐसे केस में हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर लेस देन है मार्जिनल एम वाई के, तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, हम एक्स गुड्स का कंजम्पशन जो है वो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हम इसका कंजम्पशन जो है वो नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर ऐसे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर अटेन कर सकता है अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो, ठीक है। अब दो गुड के केस में क्या होगा, दो गुड के केस में अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेट सपोज करते हैं एक्स का प्राइसेस ओनली बढ़ रहा है वाई का नहीं बढ़ रहा है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। तो अगर देखो, क्योंकि हमें पता है कि दो गुड के केस में यहां दो प्राइसेस होते हैं, दो गुड के केस में दो प्राइसेस होते हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब हम इनको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज करते हैं सिर्फ प्राइस ऑफ एक्स जो है बढ़ गया। अब प्राइस अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पर है तो प्राइस ऑफ एक्स अगर बढ़ जाएगा तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू फिर से कम हो जाएगी, तब कौन सा केस अराइज हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, ये पूरी वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाए तो ये पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ये लेस देन हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के और पी वाई के। तो मैंने बताया था कि ऐसे केस में कंज्यूमर को किस गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए। तो देखो कम मार्जिनल यूटिलिटी अगर इसे बढ़ाना है तो इसे हम कम कर सकते हैं ना, इसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि देखो दो ही केस हैं, या तो हम कंजम्पशन
को और ज्यादा कंज्यूम करें, या जहां तक कंज्यूम कर लिया है हमने उसके आगे कंज्यूम ना करें, स्टॉप कर दें। ऐसा तो है नहीं है कि जो हमने खा लिया है उसे हम दोबारा फिर निकाल के फिर गुड्स में रख दें, है ना। अब मैंने सेब खा लिया है तो अगर मैं दोबारा सेब में तो नहीं कर सकता ना मैं उसे, ठीक है। तो जो कंज्यूम कर लिया गया है उसे दोबारा उसी रूप में नहीं लाया जा सकता, तो कंजम्पशन को हम बैक नहीं जा सकते, है ना। इरिवर्सिबल प्रोसेस है ये। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं कि अगर देखो इसको बराबर करना है मुझे, क्योंकि बराबर होगा अगर तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा, पर ये क्या है अभी लेस देन है। तो क्या कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई को कम कर सकते हैं। अब वाई को कम कब करेंगे, जब वाई गुड का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कंज्यूमर क्या होगा, एक अगर प्राइसेस एक्स के बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर वाई गुड के कंजम्पशन को बढ़ा देगा, ठीक है। और जो कंजम्पशन वाई गुड के एक्सेस को कंजम्पशन को बढ़ा देगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और फिर आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे, ओके। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन अटेंड कर लेगा, ठीक है। अब लेट सपोज करते हैं कि अगर ये कम हो रहा है, तो अगर इसकी वैल्यू कम हो रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तब ये लेस देन वाली सिचुएशन ना होकर रिवर्स हो जाएगी, सिचुएशन ग्रेटर देन वाली हो जाएगी। और हमें पता है जब ग्रेटर देन वाली होगी तो हम एक्स गुड्स का कंजम्पशन जो है क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, क्योंकि ये वैल्यू फिर हम इसको नहीं बढ़ा सकते, इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सेम सिचुएशन डिक्रीज इन प्राइस में भी होगा। वन गुड के केस में अगर लें, अगर पी एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है अपॉन में पी एक्स जो है वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम के। पर अगर इसका वैल्यू कम हो रहा है एक्स का, तो ये पूरा फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और ये बढ़ जाएगी तो ये ग्रेटर देन वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्स गुड्स का कंजम्पशन जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। दो गुड के केस में हमने डिस्कस कर लिया कि प्राइसेस अगर कम हो जाते हैं तो ये फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है, ये सिचुएशन आ जाएगी, और ऐसे केस में ऐसा ये करना चाहिए, ठीक है। तो हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि अगर केसेस अलग अलग हों तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, आपको देखकर ही पता चल जाना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस करोगे आपसे समझ लोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो अगर प्राइसेस में चेंजेस होते हैं, इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर पी एक्स के प्राइसेस में बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम की से जो सिचुएशन होती है एक्स की वो ये होती है, ठीक है। तो अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो ये वाली सिचुएशन अराइज हो जाएगी लेस देन वाली, और ऐसे केस में हमें एक्स गुड्स का कंजम्पशन जो है एक्स गुड्स को कंज्यूम करना बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब दो गुड के केस में क्या होगा, दो गुड के केस में मैंने बताया था, दो गुड के केस में इक्विलिब्रियम कैसे होता है, पी वाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये होता है अगर एक्स गुड्स का प्राइसेस बढ़ रहा है तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो कैसी सिचुएशन आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में पी एक्स इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई, ठीक है। और ऐसे गुड्स में क्या होगा कि वाई गुड का कंजम्पशन जो है हम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखो जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है, उसके गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाना है ना, इससे ये पता चलता है। क्योंकि हम मार्जिनल यूटिलिटी को, मैं दोबारा बता रहा हूँ, हम मार्जिनल यूटिलिटी को कम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, है ना, क्योंकि कंजम्पशन हम बढ़ा सकते हैं, कंजम्पशन हम बढ़ाएंगे तभी मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तो बराबर लाना है तो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स का कम वाई का कम करना पड़ेगा, और वाई का कम करने के लिए हमें एक्स वाई गुड को ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि देखो एक्स गुड्स का प्राइस बढ़ा है, तो सिंपल सी बात है अगर आप दो गुड कंज्यूम कर रहे हो, एक्स और वाई कंज्यूम कर रहे हो, और अगर एक्स गुड्स का प्राइस बढ़ गया है, एक्स महंगा हो गया है, तो आप किसका कौन क्या कंज्यूम करोगे। अगर समझ लो एक्स जो है महंगा हो गया है, यानी कि डियरर हो गया है, बड़ा महंगा मिल रहा है, एक्सपेंसिव मिल रहा है, तो आप सिंपल सी बात है वाई गुड्स का ज़्यादा कंज्यूम करोगे, क्योंकि वाई सस्ता है एक्स के कंपेरिजन में। तो यही तो हुआ है यहाँ पर, देखो एक्स का प्राइस बढ़ा है, ये सिचुएशन आई और हमने वाई गुड्स का कंज्यूम किया, तो यही तो हो रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स जब बढ़ा तो एक्स महंगा हो गया, इसलिए हमने वाई को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब इसके रिवर्स केस में भी ऐसा ही होगा, अगर वाई का एक्स का प्राइसेस कम होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये ग्रेटर लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। तो हम अब अगर एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो सिंपल सी बात है ना, हम एक्स का ज्यादा कंज्यूम करेंगे वाई के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थैंक्स, ठीक है, अगले पार्ट में मिलते हैं, बाय।